नमस्कार, मैं विजय। आप देख रहे हैं विजय पथ। एक लंबे अरसे के बाद मैं आपके पास इसलिए आ पाया कि जैसे कश्मीर में 370 की धारा या 370 हटाने के बाद जो कर्फ्यू का माहौल है, कुछ वैसा ही माहौल लोकल न्यूज ऑफ इंडिया के विजय पथ पर था, क्योंकि एक विधायक उमेश अग्रवाल, जो कि भाजपाई विधायक हैं और जो मोदी जी और खट्टर साहब की नीतियों के उलट बलात्कार करने, जमीन कब्जा करने के कई कारनामों में इन्वॉल्व रहते हैं, बहरहाल मामला अदालत में है, तो ज़्यादा कुछ कहना हो सकता है कि कहीं मैं गलती से अदालत की तौहीन कर बैठूं, जो मेरा इरादा कतई नहीं है। लेकिन अभी बात करते हैं धारा 370 की और कश्मीर से हटने के बाद इस धारा और अनुच्छेद के पीछे सियासी खेल की। ये आप सबको पता है कि कश्मीर का आतंक कहीं ना कहीं कुछ घरानों, कुछ लोगों के लिए, सत्ता के लिए, सरकार के लिए या सियासतदारों के लिए पैसे की वो टोकरी थी जो ठीक वैसा ही काम करती थी जैसा सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। मोदी जी ने इस धारा, इस अनुच्छेद को गृह मंत्री अमित शाह के मजबूत इरादों से ख़त्म करके कहीं ना कहीं इस सोने की मुर्गी की हत्या कर दी, यानी कश्मीर के आतंक की सियासत करने वाले लोगों के पैर तले की जमीन खिसका दी। पर इसके बाद का क्या? क्या इसके बाद जैसे बाकी के राज्य छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बने हैं, जो त्रासदी, आपदा और भ्रष्टाचार की तंज को झेल रहे हैं, जो आज तक 10 वर्षों में, 12 वर्षों में और 15 वर्षों में भी अपने आप को इस लायक नहीं बना पाए हैं कि वहाँ की सरकारें, वहाँ के सियासतदान या वहाँ के प्रशासन को यह भनक भी लगे कि किसकी ज़रूरत क्या है। तो क्या कश्मीर के लोग, कश्मीर के आवाम इस अनुच्छेद के रहते विकसित थे या इस अनुच्छेद के जाने के बाद विकसित होंगे? इस पर अभी कयास लगाना बहुत बेमानी होगी, क्योंकि जैसा ओवैसी ने बोला कि कश्मीरी रुक करके जवाब देते हैं, यानी यह साफ है कि कहीं ना कहीं यह लोग इसमें शामिल हैं कि कश्मीर में शांति ना फैले। कश्मीर में अगर शांति आ गई तो कश्मीर के लोग रोजगार में, कश्मीर के लोग उद्योग में, कश्मीर के लोग व्यापार में और कश्मीर के लोग पर्यटन में फिर वैसे ही होंगे जैसे धरती का स्वर्ग कही जाने वाली ये जन्नत पहले थी। जैसा कि मोदी जी ने फिल्मी दुनिया से लेकर के निवेशकों और बाकी सबसे यह आग्रह किया कि आप लोग आएं और कश्मीर में नया व्यापार, नया कश्मीर बनाने का कारनामा शुरू करें, हो सकता है कि यह आग्रह और 370 के बिना कश्मीर में डेवलपमेंट का एक अलग एजेंडा खड़ा हो जाए। पत्थरबाजी से हटकर लोग, सियासत से हटकर लोग कश्मीर के बारे में सोचें, भारत के बारे में सोचें, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, शायद लकी कल के लिए लोकल कश्मीर मज़ेदार होगा बिना 370 के, और बाकी दुनिया के लिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया असरदार होगा सीधी सपाट खबरों के साथ। धन्यवाद।